नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के स्टॉक में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है और हमने कहा था कि 108.9 810 के आसपास के लेवल को ब्रेकआउट करे तो पहला जो टारगेट है 115, 118 और 124, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म ऑप्शन ट्रेडर, मोमेंटम ट्रेडर के लिए। लेकिन जो कैश ट्रेडर हैं यहाँ से देखेंगे 124, 135 और 150, ऐसे तीन लेवल दिखेंगे। जब तक 110 के नीचे की डेली क्लोजिंग नहीं दे, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। आगे की न्यूज़ या ट्रेंड को डिस्कस करें इससे पहले आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब करके आपने दोस्तों में शेयर कर दिया। प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, एक्यूरेसी मोर देन 95%, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में देखेंगे तो जर्मनी से न्यूज़ आते हुए दिखी थी और वो न्यूज़ भी हमने देखा था ग्रीन स्टील के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ही, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ था। यहाँ देखेंगे तो टेक्निकली सेक्टर भी परफॉर्मिंग है और ये स्टॉक भी परफॉर्म कर रही है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड भी जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है वो भी हायर हाई हायर लो दिख रहा है और यहाँ भी देखेंगे हायर हाई हायर लो। एक तो ये ट्रेंड ब्रेकआउट और दूसरा यहाँ देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट, यहाँ से एक बड़े ट्रेंड एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो 110 के आसपास के एसएल को फॉलो करके 125 प्लस तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर के भी टारगेट हो सकते हैं।